लंबी चौड़ी चिट्ठी किसकी है? रामेश्वर बाबू की। हमेशा पूजा पर और नए साल पर अपने जान पहचान वालों को अभिनंदन भेजते हैं। अच्छा बताओ तो रामेश्वर बाबू की उम्र क्या होगी? ये कोई 85-86 साल। अरे इतनी नहीं तो कम से कम 75 की तो होगी, लेकिन इस उम्र में भी उनकी याददाश्त और दिमागी संतुलन सब ठीक है। लिखाई भी इस तरह सदी हुई है जिस तरह की 20 साल पहले थी। सुनो तो जरा क्या कहते हैं बुद्धि के सागर व्योमकेश बाबू, आप और अजीत बाबू मेरी नए साल की शुभकामनाएं ग्रहण करें। आपकी बुद्धि चंद्रमा की कला की तरह निखरती रहे यह कामना करता हूं। अजीत बाबू की लेखनी मयूर के पंख की तरह विकसित हो। मेरा वक्त हो गया है, यमराज का समन आ गया है, जल्द ही गिरफ्तारी का वारंट निकलने वाला है। मुझे उससे कोई डर नहीं, मैं कोशिश में हूं कि यमराज के वारंट के पहले ही मैं वैकुंठ धाम के द्वार खटखटाऊं। अफसोस सिर्फ इस बात का रह जाएगा कि अगली दुर्गा पूजा में मैं आपको हमेशा की तरह पत्र द्वारा अभिनंदन नहीं जता पाऊंगा। अपने मरने से पहले मैंने अपनी जमीन जायदाद का बंदोबस्त कर लिया है। आप जरा ख्याल रखना मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो। है आपकी बुद्धि और सूझबूझ पर मुझे पूरा भरोसा है। अलविदा। मेरी इस चिट्ठी को नजरअंदाज मत करना। आपको 5,000 रुपए मिले कि नहीं मैं वैकुंठ से देखूंगा। पुनराय गमनाय च। ये चिट्ठी को समझ में नहीं आई। मामूली साल मुबारक की चिट्ठी नहीं है। मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो। आखिरी इच्छा? कौन सी आखिरी इच्छा? लिखा है 5,000 रुपए मिलेगी नहीं। अरे कौन से 5,000 रुपए? रामेश्वर बाबू मजाक तो नहीं कर रहे? यहां फिर लगता है कि वाकई में सनकी हो गए। अरे वाह, अभी तो तुम उनकी तारीफ कर रहे थे कि इस उम्र में भी कितना अच्छा दिमागी संतुलन है। यूं तो परेशानी है, रामेश्वर बाबू एक साथ ही समझदार और सनकी लग रहे हैं। वो तो हमेशा हंसी मजाक पसंद करते हैं। जिस तरह खुलकर हंस सकते हैं उस तरह हंसा भी सकते हैं। मैंने तो जितनी दुनिया देखी है, मेरी निजी राय तो यही है कि जिस शख्स के अंदर हास्य रस है वो कभी धनवान नहीं हो सकता। अरे लक्ष्मी जी की नेक नजर सिर्फ उल्लुओं पर ही होती है हमेशा। लेकिन रामेश्वर बाबू ने मेरी धारणा को मिट्टी में मिला दिया। इस हसोड़ के कलकत्ता में 8-8 मकान हैं, और जो किराया मिलता है इन मकानों से वो हमेशा जमा होता रहता है। अच्छा, इस अगाध संपत्ति का वारिस कौन है? यही तो बेचारे मार खा गए। पहली पत्नी गुजर गई, एक बेवकूफ सा लड़का है कुशेश्वर, और एक लड़की है नलिनी। दूसरी पत्नी है लेकिन बीमार और संतानहीन। मालूम है रामेश्वर बाबू से मैं पहले कहां मिला था? विजय सम्मेलन में अकेले अखाड़ा जमा रखा था। अजी ये तो कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनिए, हमारे एक मित्र हैं रहने वाले रीवा के, एजेंट बीमा के, मिलते ही पूछेंगे बीमा कब कर रहे हैं, मानो कहते हो कि कब मर रहे हैं। फिर आऊं कहिए तो 2 फार्म लाऊं, पत्नी का अलग करवाइए, न हो तो जॉइंट लाइफ करवा लीजिए, एक साथ दो दो रिस्क कवर कीजिए, आप मर जाए तो उन्हें फायदा, वो मर जाए तो आपको फायदा। अब आप ही सोचिए कि मरने के बाद क्या फायदा और क्या घाटा। एक दिन बाजार में मिल गए, देखते ही पिल गए, बोले चाय पीजिए, हमने कहा बस रहने दीजिए। पान खाइए, हमने कहा बस आप ही पाइए। शाम को जब घर पर पहुंचे तो टेबल पर उन्हीं का पत्र रखा था, लिखा था फार्म छोड़े जा रहा हूं, सोच समझ कर भर दीजिए,
प्रीमियम के पैसे बहन जी से ले जा रहा हूँ। फॉर्म के साथ प्रश्नावली नट्ठी थी। अरे फॉर्म क्या था, अच्छी खासी जन्म पत्री थी। प्रश्न था नाम, हमने लिख दिया बदनाम। काम बेकाम, आयु जाने राम, निवास स्थान हिंदुस्तान, आमदनी आराम आराम। कोई बीमारी है, हमने कहा है, दिल की उदारी के बिल की, होती है धड़धड़ाहट, पेट में गड़गड़ाहट, माथे में बनबनाहट, पैरों में सनसनाहट, डॉक्टर कहता है टीबी है, और सबसे बड़ी बीमारी हमारी बीवी। कोई खराब आदत है, हमने कहा शराब गांजा अफीम, मीठा लगता है कड़वा नीम। फिर एक आखिर में एक बहुत ही अजीब प्रश्न था, आपकी कोई सबसे अच्छी आदत, जानते हैं हमने क्या लिखा? झूठ बोलना। और सुनिए अंत में क्या हुआ, भर कर भेज दिया फॉर्म इसी इंप्रेशन में कि भगदड़ मच जाएगी कॉरपोरेशन में। लेकिन 7 दिन बाद सदनवाद एक पत्र प्राप्त हुआ कि आपको सूचित करते हुए होता है हर्ष कि आपका केस रजिस्टर हो गया है इसी वर्ष। चलो चलो कल रामेश्वर बाबू से मिलाते हैं, पता नहीं और कितने दिन जिएंगे। चलो चिट्ठी पढ़कर तुम्हें नहीं लगा कि रामेश्वर बाबू सनकी हो गए? पितामह भीष्म क्या सनकी हो गए थे? आजकल तुम महाभारत बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो। अरे महाभारत क्यों, रामेश्वर बाबू पितामह भीष्म से ज्यादा तो रामायण के दशरथ जैसे लग रहे हैं। तो ये बात छोड़ो, तुम कहना क्या चाहते हो? भाई रामेश्वर बाबू जैसे भी हो, अगर वो 100 साल तक भी जिए ना, लेकिन कभी सनकी और भुलक्कड़ नहीं हो सकते। कौन चाहिए? देखिए मेरा नाम बोमकेश बख्शी है, रामेश्वर बाबू से मिलना है। देखिए ये कौन है? ये रामेश्वर के लड़के कुशेश्वर की पत्नी लावण्या है। ओ नाम लावण्या है, असल में साक्षात चंडी है चंडी। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, हालत सुधर गई है। अगर ऐसी वैसी कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना। जी मैं चलता हूँ, मुझे यहीं एक और पेशेंट देखना है। सुनिए देखिए मेरा नाम बोमकेश बख्शी है, रामेश्वर बाबू के दोस्त। बोमकेश बख्शी? अरे हाँ, पहचानेंगे क्यों नहीं। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? कल रात अकस्मात दिल का दौरा पड़ा उन्हें। क्या अब तो कुछ ठीक है? आप उनसे मिलना चाहते हैं? हाँ जरूर, वो तो ऊपर हैं। पिताजी से आप मिल नहीं सकते, उनकी तबीयत बहुत खराब है, अभी अभी डॉक्टर आके गए। कोई बात नहीं, क्या नाम है डॉक्टर? डॉक्टर असीम सिंह। पहचानते नहीं आप? बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। नाम तो सुना है लेकिन पहचानता नहीं, शायद वही जिनकी डिस्पेंसरी विवेकानंद रोड पर। हाँ वही। अच्छा, इसका मतलब है कि रामेश्वर बाबू से मुलाकात नहीं हो सकती। वो मतलब डॉक्टर ने कहा किसी से ना मिलना। तो रामेश्वर बाबू की तबीयत कब से इस तरह खराब है? वैसे तो ठीक थे, लेकिन उम्र की वजह से ज्यादा हिलडुल नहीं सकते, अपने ही कमरे में रहते हैं। परसों और कल बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, फिर रात यकायक। आपकी पत्नी शायद नाराज हो रही है, हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। डॉक्टर असीम सेन की डिस्पेंसरी ज्यादा दूर नहीं, चलो उनसे मिलते हैं। ठीक है। बोमकेश बाबू आप ही हैं? रामेश्वर बाबू के दरवाजे पर आज सुबह आप दोनों ही थे ना? जी, ये मेरे साथी अजीत। रामेश्वर बाबू की मेरे साथ बहुत पुरानी जान पहचान है, कल ही उनके नए साल की शुभकामनाओं का पत्र मिला, उसमें उन्होंने कुछ आशंका सी दिखलाई है कि
वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। बस इसीलिए उनसे सुबह मिलने चला गया तो पता लगा कि कल रात उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। अब उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, इसीलिए आपके पास आए उनका हालचाल पूछने के लिए। आप उनके परिवार के डॉक्टर हैं ना? कल रात एकाएक उनकी हालत गंभीर हो गई, पर अब अपने आप को संभाल लिया है। तो फिलहाल कोई डर की बात नहीं है? देखिए, ये कहा नहीं जा सकता। इस किस्म के मरीजों के बारे में गारंटी से कुछ भी कहना मुश्किल है। अब 2-3 साल और भी जी सकते हैं, या तो आज भी और एक अटैक आ सकता है, फिर तो संभालना मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, रामेश्वर बाबू की देखभाल घर में ठीक तरह से हो रही है? आप जो इशारा कर रहे हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस तरह का कोई डर है क्या? मैं तो सिर्फ रामेश्वर बाबू को जानता हूं, उनके घर के दूसरे सदस्यों को तो ज्यादा जानता नहीं। लेकिन आज जो कुछ देखा उससे शक होता है कि रामेश्वर बाबू को उनके घर वाले बाहर के लोगों से मिलने नहीं देना चाहते। अजीब हैं सब लोग, किसी का दिमाग दुरुस्त नहीं है। अब रामेश्वर बाबू की पत्नी कुमुदिनी, हालांकि उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन अब भी खिलौनों से खेलती हैं। घर में क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, कुछ नहीं पता। और लड़का कुशेश्वर तो पोंगा है, वो अपनी पत्नी के कहने पर उठता बैठता है। हाँ, एक कुशेश्वर की पत्नी लावण्य चालाक और चतुर है। हालात को देखते हुए परिवार की बागडोर उसी ने संभाल रखी है। लेकिन क्यों, इसकी कोई वजह तो होगी? मुझे लगता है इसकी वजह सिर्फ एक ही है, और वो है नलिनी। नलिनी, रामेश्वर बाबू की बेटी? जी, पुरानी बात है, शायद आपने सुना नहीं। नलिनी ने अपने घर वालों के इच्छा के विरुद्ध अपने पसंद के एक लड़के से शादी की, तभी से सब लोग उस पर बहुत नाराज हैं। शुरू में रामेश्वर बाबू भी बहुत नाराज थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका गुस्सा ठंडा हो गया। लावण्य लेकिन अब भी नलिनी को घर में घुसने नहीं देती, यहां तक कि अपने बूढ़े बाप से मिलने तक नहीं देती। कहीं नौकर चाकर के जरिए रामेश्वर बाबू अपनी बेटी से संबंध न रखें, इसलिए नौकरों को भी हटा दिया। अब रामेश्वर बाबू एक तरीके से अपने ही घर में नजरबंद है, पर उनकी देखभाल ठीक हो रही। हालात काफी हद तक समझ में आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर सैन, ये बताइए कि रामेश्वर बाबू ने वसीयत बनाई है या नहीं, यह बता सकते हैं? नहीं बनाई? बनाई है, और मुझे यकीन है उन्होंने वसीयत में नलिनी को भी एक मोटा हिस्सा दिया है। मुझे मालूम नहीं था, कल रात ही पता चला। कैसे? कल रात 10 बजे रामेश्वर बाबू को दिल का दौरा पड़ा, तभी कुशेश्वर का फोन आया, मैं फौरन वहां पहुंचा। रामेश्वर बाबू, अब डरने की बात नहीं है, बला टल गई है। हाँ, अभी तो टल गई शायद, लेकिन सबसे कहीं कहीं छुपी बैठी होगी। तुम लोगों के जाते ही फिर से 8 हफ्ते की कम वक्त। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज आप जरा कुछ हल्का सा ही खाइए। तुम लोग जाओ खाना खा लो, मैं यहीं बैठा हूं। इनके लिए पत्नी से खिचड़ी भेज रहे हैं और घी मत डाल। ठीक है। अच्छा किया जो इन्हें भेज दिया। क्यों? आहिस्ता, मुझे तुमसे एक बात करनी है डॉक्टर। मैंने अपनी वसीयत बनवाई है, अगर मेरी पत्नी कुल हो जाए तो नलिनी को जरूर खबर कर देना। डॉक्टर बाबू, आज आप खाना यहीं पर खाकर जाइएगा। नहीं, तुम खा लो, मैं वैसे भी दिन में कुछ नहीं खाता, तुम जाओ खाना खा लो। नहीं, आज मेरा व्रत है, उनको तो मैं खाना देकर आई हूँ, मैं आप यहीं बैठूंगी। फिर कुछ बात करने का मौका ही नहीं मिला, मैं चला आया। इससे तो साफ जाहिर है कि वो रामेश्वर बाबू को वसीयत नहीं बनाने देंगे, कहीं वो नलिनी को जायदाद का हिस्सा न दे बैठे इसलिए। अगर रामेश्वर बाबू वसीयत बनाने से पहले ही गुजर गए तो उत्तराधिकारी के तौर पर तो पत्नी और लड़की को संपत्ति मिलेगी, नलिनी को कुछ नहीं। हाँ, ये बात तो है। रामेश्वर बाबू के जरूर कोई निजी वकील होंगे, आप उन्हें पहचानते हैं? निजी वकील कोई है ऐसा सुना तो नहीं,
ठीक है, आपका बहुत वक्त लिया। कोई बात नहीं, रामेश्वर बाबू हम दोनों के मित्र हैं। नलिनी की घरेलू जिंदगी कैसी है, आप कुछ बता सकते हैं? मामले निम्न मध्यम वर्गीय हैं। नलिनी के पति देवनाथ मामूली नौकरी करते हैं, 300-400 रुपए तनख्वाह होगी, बच्चे भी काफी हैं, 5-6। अच्छा, रामेश्वर बाबू की पारिवारिक जिंदगी की तो जानकारी हासिल कर ली, लेकिन कुछ संतोषजनक नहीं मिला। ऐसा लगता है अंतिम दिनों में परेशानी से घिरे हुए थे। पानी में मगर ही अगर दुश्मन बन बैठे तो कोई क्या कर सकता है। खैर चलते हैं, उम्मीद है सब ठीक ठाक हो जाएगा। नमस्ते। बोमकेश, बोमकेश, ये देखो क्या खबर छपी है, रामेश्वर बाबू गुजर गए। हेलो, हाँ डॉक्टर सेन, हाँ बोमकेश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी अभी अखबार में पढ़ा। मैं जानना चाहता था कि ये, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ हाँ अच्छा। डॉक्टर सेन ने क्या कहा? कह रहे थे परसों रात उनकी अचानक मौत हो गई, दिल का दौरा पड़ा फिर से। वहीं पर थे डॉक्टर सेन लेकिन बचा नहीं पाए, साधारण हार्ट अटैक का सर्टिफिकेट दिया है। क्यों, तुम्हें कुछ शक लग रहा है? ब्योमकेश बाबू हैं, मैं रामेश्वर बाबू की बेटी नलिनी हूँ और ये मेरे पति हैं देवनाथ। आइए आइए, ये नमस्ते। नमस्ते। पिताजी गुजर गए, उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं आपसे मुलाकात करूं, इसीलिए हम आए हैं। अच्छा, आखिरी वक्त पर आप उनके साथ ही थी? नहीं, हमें तो पता भी नहीं चला, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। तो आपको कैसे पता चला फिर कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? नए साल की शुभकामनाओं के साथ हमें इस साल भी ये चिट्ठी मिली, उसी में ये लिखा है, ये देखिए। नलिनी बेटी, मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भेज रहा हूं। अगर कुछ अच्छा बुरा हो तो श्री बोमकेश बख्शी से मुलाकात करना, इति तुम्हारा पिता। लिखने वाले ने लिखने में काफी समझदारी की है। आप आखिरी बार अपने पिता से कब मिली? 6 महीने पहले दुर्गा पूजा के बाद उन्हें प्रणाम करने गई थी, लेकिन भाभी हर पल वहीं खड़ी थी, पिताजी से अलग से कुछ भी बात करने को नहीं मिली। भाभी के साथ अच्छे संबंध नहीं है? संबंध, भाभी का बस चले तो हमें कलकत्ते से ही बाहर निकाल दे। कोई खास वजह? वजह क्या हो सकती है, वही ननद भौजाई का झगड़ा, और फिर भाभी के एक बच्चा भी नहीं है। भगवान की कृपा से हमारे पास 5-5 बच्चे हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। डॉक्टर सेन से हाल ही में मुलाकात हुई? डॉक्टर सेन कल सुबह हमारे घर आए थे, उन्होंने ही बताया कि पिताजी एक वसीयत छोड़ गए हैं। वो वसीयत कहाँ है, कुछ मालूम है? क्या पता, पिताजी को तो भैया और भाभी ने एक तरह से बंदी बना रखा था, चल फिर नहीं सकते थे, इसीलिए तिमंजले के अपने कमरे को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, और फिर भाभी उनके इर्द गिर्द हमेशा मंडराती रहती थी। पिताजी अगर कोई चिट्ठी लिखते तो उसे खोल कर पढ़ती, अगर उसे कोई चिट्ठी पसंद नहीं आती तो उसे फाड़ कर फेंक देते। अगर पिताजी ने कोई वसीयत बनाई भी होगी तो क्या भाभी ने उसे कमरे में रखा होगा? तुम्हारे पिताजी सतर्क और समझदार आदमी थे, जानते थे कि अपने ही घर में बंदी बने हुए। अगर उन्होंने वसीयत बनाई होगी तो ऐसी जगह छुपाई होगी कि आसानी से मिलनी मुश्किल हो। अब हमें यह काम करना है कि इससे पहले की वसीयत तुम्हारे भाई या भाभी के हाथ लगे, उसे हमें ढूंढ निकालना है। हाँ ब्योमकेश बाबू,
अगर पिताजी ने कोई वसीयत बनाई होगी तो जरूर हमारे लिए कुछ छोड़ गए होंगे, वरना वसीयत बनाने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन अब समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें, पिताजी आपको बहुत मानते थे। एक बात है, सुना है कि वसीयत पर दो गवाहों के दस्तखत होने बहुत जरूरी हैं, लेकिन रामेश्वर बाबू को दो गवाह कहां से मिलेंगे? आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें भी एक संशोधन है। जो भी वसीयत बनाना चाहता है, अगर वो खुद अपने हाथों से वसीयत लिखे शुरू से अंत तक, तो फिर गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। सुना तुमने, इसीलिए पिताजी ने लिखा था कि इनसे मिले। व्योमकेश बाबू, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। अगर उन्होंने वसीयत बनाई है तो मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कब आए? अगले हफ्ते, आज ही के दिन। नमस्ते। जरा नमस्ते। क्या लगता है, वसीयत मिल जाएगी? डॉक्टर सेन, ब्योमकेश, हाँ, अच्छा, आपने रामेश्वर बाबू की मौत को स्वाभाविक मृत्यु का सर्टिफिकेट दिया है ना? हाँ। नहीं, आपको पूरा यकीन है कि मौत स्वाभाविक ही थी? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। नहीं, सिर्फ हम सोच रहे थे कि हाँ, अगर उनके घर की पूरी तलाशी ले ले, शायद कुछ मिले। हाँ, नहीं अगर ना मिले तो आपको पूरी संतुष्टि मिल जाएगी ना कि मौत वाकई स्वाभाविक ही थी, और अगर कुछ मिले। हाँ, अच्छा ऐसा करते हैं, मेरे पास उनकी आखिरी चिट्ठी है, तो पुलिस स्टेशन मिलते हैं। हाँ, इंस्पेक्टर हलदार को तो आप पहचानते हैं। नहीं ठीक है, समय न हो तो कल सही, कल। हाँ ठीक, हाँ अच्छा। काम बन गया, कल ही डॉक्टर सेन घर की पूरी तलाशी का अपनी तरफ से वारंट निकलवा रहे हैं, हैं? हम भी साथ जाएंगे। हमें इस घर की तलाशी लेनी है, ये रहा सर्च वारंट। लेकिन क्यों? हमें इत्तला मिली है रामेश्वर बाबू की मौत गैर कुदरतन हो सकती है। सुनिए, यह इत्तला क्या ब्योमकेश बाबू ने दी है? नहीं, डॉक्टर सेन ने दी है। फिर ब्योमकेश बाबू क्यों साथ आए हैं? डॉक्टर सेन ने कहा है उनकी जगह ब्योमकेश बाबू साथ में रहेंगे। अगर आपको शक है कि हमने उनको जहर देकर मार डाला है तो हमें गिरफ्तार कीजिए। इसमें घर की तलाशी लेने का क्या मतलब है? माफ कीजिए, ये तो हमें करना पड़ेगा। किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है, और तलाशी का मकसद इसी सबूत की खोज है। करिए, जितनी चाहे तलाशी करिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, यहां हमें सिर्फ एक चीज ढूंढनी है, वो है रामेश्वर बाबू की वसीयत, जो कि शायद वो मरने से पहले लिख गए थे। आप अपने सिपाहियों को चुपके से समझा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। इस वक्त घर में कौन कौन है? मैं, मेरी पत्नी और माँ। माँ कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। उन्हें नीचे लेकर आइए। और हाँ, आप तीनों उधर रसोई में रहेंगे जब तक घर की तलाशी खत्म ना हो जाए। मैं लाती हूँ उन्हें। और हाँ, कमरे का दरवाजा खुला रखिएगा। आप उधर रसोई में जाइए, और तुम तीनों, मैं, ब्योमकेश बाबू और अजीत बाबू ऊपर छानबीन करेंगे, तुम लोग यहां नीचे तलाशी लेना। चलिए ब्योमकेश बाबू। अगर वसीयत है तो इसी कमरे में मिलनी चाहिए। लेकिन इतनी सारी चीजों के बीच एक कागज का छोटा सा टुकड़ा ढूंढ निकालना क्या आसान काम होगा? हमारे लिए कोई काम आसान नहीं है,
कभी कभी असंभव को भी संभव बनाना पड़ता है। क्या है वो? आइए वकील बाबू, आपको असमय तकलीफ दी। पुलिस हमारे घर की तलाशी ले रही है। तलाशी क्यों? उन्हें शक है कि रामेश्वर बाबू की मौत स्वाभाविक नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर सेन ने बकायदा डेथ सर्टिफिकेट दिया है। तलाशी डॉक्टर सेन ही करवा रहे हैं। अच्छा, सर्च वारंट है उनके पास? जी हाँ। खैर आप परेशान ना हो, ना उन्हें कुछ मिलने वाला, उन्हें ढूंढने दीजिए जो ढूंढते हैं। ठीक है? आपने सक्सेशन के कागजात तो दायर कर दिए हैं ना? जी हाँ, सब कर दिया है। कोर्ट से हुक्म भी थोड़े दिनों में आ जाएगा, और वसीयत ना होने की वजह से रुपया और जायदाद आधा आधा उनकी पत्नी और कुशेश्वर बाबू को मिलेगा। लेकिन आपने तो कहा था सब हो, माता जी को पहले से ही पागल करार करेंगे तो कोर्ट से ऑर्डर मिलने में काफी समय लगेगा। देखिए, सीधा और आसान तरीका यही है कि माँ और बेटा दोनों जायदाद पर कब्जा कर लें। उसके बाद माता जी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाने की वजह से उनका हिस्सा बेटे को दिलवा देंगे। ये हमारा दस्ता यहाँ क्या कर रहा है? रामेश्वर बाबू की काफी उम्र हो गई थी ना, पर दांत भी ज्यादा बचे नहीं थे। पान खाने के बहुत शौकीन थे, इसीलिए हमाल दस्ते में पान कूट कूट कर नरम करके खाते थे। जब बूढ़े लोगों के दांत जवाब दे देना, वो अक्सर इसी तरह पान नरम कर खाते हैं। मेरे ख्याल से रामेश्वर बाबू ने वसीयत बनाई ही नहीं। वसीयत तो जरूर बनाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो है कहां? अगर ऐसा है तो कुशेश्वर बाबू को वसीयत मिल गई और उसने उसे फाड़ दिया या फिर जला दिया। कच्चे प्याज की धूप। ये गोल की शीशी में प्याज की बू कहां से आई? गाढ़ा जी। इंस्पेक्टर हरदार, आप कुशेश्वर की पत्नी को यहां बुला लें। आपसे एक दो सवाल करने हैं। कुशेश्वर बाबू, आप नीचे ठहरेंगे तो बेहतर होगा, आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे। आपके ससुर क्या कच्चा प्याज खाया करते थे? आपको सुनकर ताज्जुब क्यों हो रहा है? पसंद करते थे वैसी बात तो नहीं है, और फिर हम लोग ज्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं करते। फिर? लेकिन चले जाने के कुछ दिनों पहले प्याज खाने की लालसा बहुत बढ़ गई थी, बस एक तरह की सनक सवार हो गई थी। करीबन सारे दांत जा चुके थे, प्याज मंगवाकर हमाल दस्ते में कूट कूट कर खाया करते थे। अच्छा, मौत के कितने दिन पहले प्याज खाने की सनक सवार हुई थी? ये कोई 10-15 दिन पहले से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा तो यहाँ काम खत्म हो गया, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन किस नतीजे पर पहुंचे? उनकी मौत स्वाभाविक ही हुई थी या कुछ और? नहीं नहीं नहीं, और तो कुछ नहीं, उनकी मौत स्वाभाविक ही थी, इसमें कोई शक नहीं। आप जा सकती हैं। समझ में नहीं आता हमारा कौन सा काम पूरा हुआ है। अरे जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो काम पूरा हो गया। क्या प्रश्न मिली? इंस्पेक्टर हरदार, आप हमारे घर चलिए और अपने सिपाहियों को कहीं चले जाए। चलिए। आइए आइए। तू क्यों मुस्कुरा रहा है? आप सबको देखकर। देखकर? हम क्या चिड़ियाखाना के बसिंदे लगते तुझे? आपको देखा आप खुश है, अजीत बाबू परेशान है, और इंस्पेक्टर बाबू ना खुश है ना परेशान है। तो मैं समझ गया आप कोई मामला सुलझा कर आए हैं।
ये साथ रह रहे फिर जासूस बन गया है। सत्यवती पर असर नहीं हुआ। चले सत्या, मजाक नहीं है, अभी आ जाइए। चल बढ़िया सी चाय बनाकर लाओ, अभी ला। अजीत, उस दिन न रामेश्वर बाबू ने जो चिट्ठी भेजी थी ना, वो कहा? वो उसके बाद तो दिखी नहीं, ये कहीं होगी, जाएगी कहाँ? अरे नहीं नहीं, ढूंढ कर देखो, चिट्ठी बहुत जरूरी है। रामेश्वर बाबू ने लिखा था कि इस चिट्ठी को नजरअंदाज मत करना, तब इसका मतलब नहीं समझा था मैं। लेकिन बात क्या है, इतने दिनों के बाद अचानक की चिट्ठी इतनी जरूरी कैसे हो गई? ओहो समझे नहीं, वही चिट्ठी रामेश्वर बाबू की वसीयत है वो। हाँ, क्या जब मैंने उस गोंद की शीशी में प्याज का रस देखा ना, तो सब समझ गया। की शीशी में प्याज का रस? सब आप क्या कह रहे हैं? वो सब बाद में बताऊंगा, इसलिए आपको यह हिलाया। देखो देखो, चारों तरफ ढूंढ कर देखो जी, जल्दी देखो, कुटी राम को बुलाओ। अगर वो चिट्ठी नहीं मिली तो ललिनी देवनाथ का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राव, कुछ दिन पहले एक अल्यूमिनियम गार्ड के साथ वहां से चिट्ठी आई, वो कहां है? अरे घर में जो भी चिट्ठियां वो ले आओ। वो तो सब फेंक दिया है। जब से सत्यवती दीदी आई है तब से पुरानी चिट्ठियां रखते कहां हम? अच्छा जो भी चिट्ठी घर में पड़ी है ना वो ले आओ, जाओ। हद कर दी, इतनी जरूरी चिट्ठी गायब कर दी। क्या इन चिट्ठियों का क्या करूं? ये फाड़ कर फेंक दो, ये तो वो है जो मैंने सत्यवती को लिखी थी, उन्हें हिफाजत से रख ली, जो जरूरी है वो फेंक दी। जाओ ले जाओ इन्हें। चाय का क्या हुआ? हाँ और कोई रास्ता नहीं हो सकता उससे ढूंढ निकालने का? बाहर ढूंढने से कोई फायदा नहीं, जमीन के अंदर ढूंढो। मैं कौन सी किताब पढ़ रहा था? हाँ उस दिन पांच चिट्ठियां आई थी, उन्हीं के साथ वो रामेश्वर बाबू का बड़ा सा लिफाफा भी था। तुम यहां सोफे पे बैठे महाभारत पढ़ रहे थे। हाँ दूसरा खंड मिल गई, मिल गई। अरे पुटी राम, जरा आगे थी मैं कोयले की आग जला कर चला ना। अरे चाय तो पी लो। रामेश्वर बाबू हसमुख प्रकृति के थे, लेकिन साथ में महाबुद्धिमान भी थे। आखिरी दिनों में जब शरीर टूट गया था, खाट पकड़ ली थी, ज्यादा कुछ काम करने की क्षमता नहीं थी, ऊपर से बहू की कठपुतली भी बन बैठे थे, जब उन्हें लगा कि उनके ऊपर जाने के दिन नजदीक आ गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि जाने से पहले नलिनी को अपनी संपत्ति में से कुछ दे जाए। उसके लिए वसीयत बनानी बहुत जरूरी थी। अब वर्तमान कानून के मुताबिक लड़की पिता की संपत्ति पर हक नहीं जता सकती, यह हक सिर्फ बेटे को रहता है। इसीलिए रामेश्वर बाबू ने फैसला कर लिया कि वसीयत बनाकर वह नलिनी को अपनी संपत्ति के हिस्सेदार जरूर बनाएंगे। लेकिन सिर्फ वसीयत बनाने से ही तो काम पूरा नहीं होगा, उनके मरने के बाद वसीयत बरकरार रहेगी, इस बात की क्या गारंटी? वो जानते थे कि लड़का कुशेश्वर और उनकी जो बहू लावण्य है, नलिनी को कुछ नहीं देंगे, अपनी संपत्ति में हिस्सेदार नहीं बनाएंगे। लावण्य तो नलिनी से नफरत करती थी, उनको रामेश्वर बाबू से मिलने तक नहीं देती थी, उन्हें इस तरह घेरे रहती थी कि कोई मिल ना पाए। रामेश्वर बाबू यह भी जानते थे कि वो जो चिट्ठियां लिखते थे वो खोली जाती थी, जांची जाती थी, कोई आपत्तिजनक बात हो तो फाड़ी भी जाती है। क्या किया जाए, नलिनी को अपनी संपत्ति में हिस्सेदार कैसे बनाते? अब ये बात तो सब जानते हैं कि प्याज के रस की जो लिखाई होती है वो कागज पर निशान नहीं छोड़ती, लिखाई जो है वो अदृश्य ही रहेगी और रह जाती है। इस ये जो लिखाई है, ये जो बिना नजर में आने वाली लिखाई है, इसको नजर में लाना बहुत ही आसान है।
समझो ये कागज है, अगर मैंने इसको हल्की सी आंच पर रखा तो लिखाई जो है ना उभर जाती। जब मैं स्कूल में था ना तो इस तरह के मजाक करना और मैजिक करना मुझे बड़ा अच्छा लगता। रामेश्वर बाबू भी ये बात जानते थे। सो उन्होंने क्या किया, बहाना बनाया कि कच्चे प्याज खाएंगे। लड़की और बहू ने समझा भी बुढ़े की कोई सनक है, ऐतराज नहीं किया। अरे आप तो जानती है कि पान खाने के बड़े शौकीन थे ना। हाँ, लेकिन दांत नहीं थे तो हमाल दस्ते में पान कूट कर खाते थे। इसी तरह उन्होंने प्याज को भी हमाल दस्ते में डालकर उसे कूटा और प्याज का रस बनाया। जो गोंद की शीशी थी उसमें से गोंद निकालकर शीशी को प्याज के रस से भर दिया। किसी को कुछ पता नहीं चला। रामेश्वर बाबू हसमुख तो थे ही, मुझे यकीन है कि ये काम करते करते मन ही मन खूब हंसे होंगे। अब रामेश्वर बाबू हर नए साल अपने नजदीकी मित्रों को साल मुबारक की चिट्ठी भेजते थे। इस साल भी भेजी, मुझे भी मिली। लेकिन इस बार चिट्ठी की दूसरी तरफ प्याज के रस में उन्होंने अपनी वसीयत लिख डाली। ये वही चिट्ठी है। अब ये देखिए, जिस वसीयत के बारे में रामेश्वर बाबू ने आपसे कहा था ये वही वसीयत है। अब आप इसे पढ़िए, हम सब सुनेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं रामेश्वर राय साकिन 15 श्यामधन मित्र लेन बाग बाजार कलकत्ता स्वस्थ शरीर में और बहाल तबीयत में अपनी आखिरी वसीयत लिख रहा हूं। उपस्थित हालात की वजह से गवाहों के दस्तखत लेना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं अपने हाथों से शुरू से आखिर तक वसीयत लिख रहा हूं। मेरा दिमाग सही सलामत है, इसके गवाह हमारे डॉक्टर असीम सेन हैं। अब मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश, मेरी लास्ट विल एंड टेस्टमेंट अपने ही हाथों से लिख रहा हूं। कलकत्ते में मेरे जो 8 मकान है और बैंक में जितना रुपया है उसमें से हैरिसन रोड का सबसे बड़ा मकान और नगद 1,00,000 रुपया मेरी बेटी नलिनी को मिलेगा। मेरी पत्नी जब तक जिंदा है श्यामपुर का मकान उसका होगा, उसके मरने के बाद वो मकान मेरी बेटी नलिनी का होगा। मेरे बाकी जायदाद 6 मकान और बैंक का रुपया मेरा बेटा कुशेश्वर राय को मिलेगा। मशहूर सत्यान्वेषी श्री बोमकेश बख्शी और हमारे परिवार के डॉक्टर असीम सेन इस वसीयत के एग्जीक्यूटर्स होंगे। यही दोनों इस काम के लिए 5,000 पारितोषिक लेंगे। दस्तखत बकलम खास रामेश्वर राय, तारीख साल की पहली तारीख 1960। आपने हमें नया जीवन दिया है। ये तो मेरा फर्ज है। रामेश्वर बाबू मेरे अभिन्न मित्र थे, उनकी बेटी मेरी बेटी जैसी है। लेकिन क्या वसीयत कोर्ट में मंजूर होगी? हाँ हाँ, जरूर होगी, आप चिंता ना करें। वो लोग इस वसीयत को कॉन्टेस्ट करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो इस वसीयत के हक में मैं गवाही दूंगा। और मैं भी। बहुत अच्छे, लाइए ये आपकी अमानत।